लबे राम राम सारे बहन भाइयों ने, छोटिया ने बड़िया ने ढेर सारा प्यार। सुमित लगान लग रहा है, बेगाड़ी टंकी आ गई है और मैं बैठी हूँ संतोष दीदी के गेट के ऊपर। ई बेबे बे एक बच्चा क्या वहाँ में ज्योति के पास कविता चल रहा है के, और क्योंकि संतोष दीदी गई है बेगाम आज सुबह सुबह जल्दी, उनको निकलना पड़ा, उनका ऐसे काके तवा में कोई गुजर गया वे, इसलिए उनको आज गांव में जाना पड़ गया। ले वे कविता भी आ गई है, देखिए देखिए लोग खोलन लग रही है, देख ले चोरी चोरी चुपके चुपके घुसन लग रही है दीदी का घर में। कौन है खुला ये भी इबका खुलागा वे। लबे कई भी कमेंट आवे हैं जो बाद में वो लोग देखे हैं, जो पूरी तरिया जानते को ना कि अपनी फैमिली से मिलवाओ। बेबे ये मेरा बड़े वाला बेटा है, थोड़ा सा मुंह पे वो आवे है तेरे धूप, ये बड़ा बेटा है और या बहू है बड़ी धूप आवे थोड़ी जागन हो लो। दो बेटे हैं और दोनों आकी शादी कर रखी है, ये बड़े वाला बेटा है, ये बहू है जो मेरे पास गुड़गांव आ रहे हैं, और छोटे वाला बेटा और बहू और पोती वह भी पुन्ना रहे हैं, पुन्ना नौकरी कर रहे हैं, बेटा बहू भी तो वह पुन्ना रहे हैं, और आम तीनों अड़े गुड़गांव आ रहा। और जो वे जाना है मतलब जो शुरू से स्टार्टिंग से हमारे वो लोग देखते आए हैं वह उनने तो बेराई है, जो नए जुड़े हैं यह मैं उनके लिए बताऊ हूँ कि यह है मेरी फैमिली बे। चलो ईब आम कृष्णा दीदी का जाओ, वहां थोड़ा काम है, रितु की भी तबीयत खराब है और दीदी की भी थोड़ी तबीयत खराब है, पूछा वहां के हाल चाल है बे। चलो मिलने जा रहे हैं अब हम, वहां सुमित कहीं और जा रहा है, मैं और कविता जावांगे बे। के देवा वह कविता तो ही बांसुरी, देख इनके चाड़े, देख मजाक, देख इनका कविता दिवावा है यो बांसुरी, यो कागज तो काट लो, रहने देना क्यों काम करने चाहिए, वो ऊपर से रो रहा है। अरे आजकल बीमार हो रहे हैं बच्चे, बहुत ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो, आजकल आंधी जांधी ठंड से दया करे, हवा लगे ना ठंडी, अभी बार हवा चल, हाँ बच्चे को संभाल के देखो कुछ नंगे पैर है। ये लड़का तो कितनी सुंदर बजा रहा है, हाँ कितनी सुथरी बजा, बजा तू बजा, दोनों लग गया अभी तो। अरे बड़ी भी है, बड़ी भी है सुमित, कोई भी बजा लो ये ऐसी बजेगी, देख ले ये भगवान नंगे पैर आ रही है बेबे, देखिए हट लो रे हट लो, आज सारी खरीदेंगे इसकी भाई की है, उतनी प्यारी बजाना ये छोरा बजान लग रहा, मोटी भी बजा के देख लो, यह थोड़ी बड़ी है और मोटी है, कंपटीशन क्या की देवा रे, सीख लो तमें इस पे
सांप इस तरह ना लकड़ा है, बीन तो लकड़ा का सांप। अरे ये तो आजू हंडी बजा डेढ़ सौ की या डेढ़ सौ की देवा है ले वो कितनी महंगी हो रही। इसमें कोई भी ट्यून बजा लो। अच्छा कितनी महंगी चीज बिकने लगी है, दस दस बीस बीस रुपया क्या कर दी बतावे। लेनी हो तो न लेनी हो, पूरी चेक करके जाओगे आज इसकी है सारी। सही वजह है ले ली नहीं रचने या रुक जा देख ले भाई बजा कर देख लें दे। केक वह है ना मैंने को वहाँ पानी लेवा तो इनका घर कैसे चलेगा। या लो बे ईब सुमित जा रहा है उसके बांसुरी वाले के पैसे देन। लेवे पहले मारा वर्गे भी हम जब छोटे छोटे थे तो ये खूब बांसुरी बजाया करते, खरीद खरीद कर लिया कर दे। एक बार तो मेरा याद है छोटी सी थी मैं जब मेरे पिताजी गए थे वे हरिद्वार, वहां से भी ये बांसुरी ले लेकर आ कर दे। मतलब पहले लोग बच्चे सब बजाया करते भे, इन आजकल ये थोड़ा छूटता जा रहा है। ये थोड़ी धीरे सी तो बजा, सुथरी बजा कर दिखा। हाँ सही बात है, एक नंबर की। ठीक है बता कौन सी सासू बहु की लड़ाई मच गई आज। मैंने सारे तमें ऑनलाइन दिखा दिए तारी दोनों की लड़ाई। मैंने हमारी तो लड़ाई होती है यार। हाँ आप दोनों आगे तो हो जाओ, मेरी तो होती को इसकी चढ़ी लड़ावा की बात सुन लो ना, तो ये एक मिनट में लड़वा दे हमने दोनों। मैं लड़ते नहीं चल जाए। अच्छा एक वा खड़ी है, लड़ाई में की है कुछ नहीं है, एक एकदम चुप बिल्कुल मुंह सीमरी है, कती भी नहीं बोला। बोल पर कविता कती ना बोला। बोल आड़े बैठो मैं तू बोल यो बताओगा जब बोल लगी वे सुमित तो बताओगा जब बोल लगी। आज तो कविता इतना बोल ले नहीं, कती पीछे दिए भी बोल कविता। अरे मैं यही हूँ डर मत तू। डर मत पीछे से डर जे है या सासू से डरा दे मेरी माँ। हाँ 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 पीछे से डर जे है। लो भैया क्लिप हमारी आज की थी सुबह सुबह की, ये थोड़ी सी देर हम बैठ कर फिर हंसी मजाक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है सब इकट्ठे बैठ कर ऐसे हंसी मजाक करे तो घर का माहौल भी बहुत बढ़िया रहा करे है। ऐसे ही हंसते खेलते रहो, भगवान से यही प्रार्थना करा हम तो। लो बे ईब दोपहर के टाइम कविता बनाने लग रही है, देखो पुलाव ईब सर्दिया में ना पुलाव बड़े मस्त लगा करे भे, मटर वटर डाल कर न एकदम देखते ही मुंह में पानी आ जा कर। मैं हम तो पहले भी जैसे बताऊं थे मैं तो तकरीबन दोपहर में चावड़े खाना मन पसंद है, हल्के फुलके थोड़े से कदे कदे दाल चावल तो इब का बनाए बहुत ही दिन हो गया हमने, इब कदे बनाऊंगे। लेकिन इब सर्दिया में खास कर वे मन दोपहर में चावल बड़े टेस्टी लगा कर है, ये मटर गाजर ये सारी सब्जियां डालकर न पुलाव बना के देखियो बहुत टेस्टी बना है। चलो वे फिर मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए वे राम राम सबने, खुश रहा करो वे हमेशा, राम राम सबने।